एक्सपीरियंस इसलिए बहुत स्पेशल था, और ट्रेलर लॉन्च के दिन में मैं बोल रही थी कि पहली बार मैं इतने सारे एक्टर्स के साथ काम कर रही थी, और कुछ एक्टर्स का काम मैंने देखा था, काम अच्छा लगता है मुझे, जैसे ऋचा, अमित सियाल, संजय सूरी, ये लोग, और बहुत नए लोग भी थे, और जनरली 200 टॉकिंग पार्ट्स है. बहुत एक बड़े स्केल में बनाया गया है, एक शो है, और फिल्म से भी ज़्यादा. मैंने जितने भी फिल्में की है, इतने बड़े स्केल का कोई भी फिल्म नहीं किया है मैंने. और टू बी वर्किंग विद सो मेनी एक्टर्स इन अ वेरी गुड ऑनसॉम कास्ट, ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. और मुझे एक्सेल के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है. हमने बार बार देखो किया था साथ में. करण को मैं पहले से जानती थी और उनके साथ मुझे काम करना था, तो पूरा जो टीम एक बनाया इन लोगों ने, वो काफ़ी अच्छा, एकदम दमदार टीम बनाया. और ये भारत में ऐसा कंटेंट पहली बार हुआ है. अमेज़ॉन प्राइम वीडियो जो है, ये उनका पहला शो है, और पहली बार भारत से कोई कंटेंट वर्ल्ड के पास जा रहा है, जो कुछ 196 कंट्रीज़ में दिखाया जाएगा. तो नॉट ओनली इंडियंस, पर बाहर के इतने सारे देशों के लोग हमारा कोई टीवी शो सीरीज़ देखेंगे, तो वो बहुत ही एक्साइटेड. और मेरा रोल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो टीम एनालिस्ट का रोल है. इनका पूरा जिंदगी का फोकस है क्रिकेट, और ये टीम जो ऋचा ओन करती है और ये खेलते हैं उसमें. तो टीम एनालिस्ट जो करती है वो है टीम का जो फंक्शनिंग होता है, कि कौन कौन प्लेयर्स खेलेगा, कौन अंदर नए प्लेयर्स आएंगे, कौन किस प्लेयर को बिठाया जाएगा फील्ड में, कौन कौन कहाँ खड़ा होगा, बैटिंग पोजीशन, सब कुछ टीम एनालिस्ट डिसाइड करता है. तो इंडिया में कभी कोई फीमेल टीम एनालिस्ट थी नहीं. इंग्लैंड में थी, तो करण जब लिख रहे थे ये, तब उनके दिमाग में ये कैरेक्टर जो थी, उनके बारे में उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था. तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतना एक मैंस गेम है ना क्रिकेट. जनरली यहाँ पे हमारी लड़कियाँ जीत के भी आ रही है, फिर भी कोई बात नहीं कर रहे उनके बारे में. सब टीम इंडिया जब हम बोलते हैं, जनरली मेंस क्रिकेट टीम के बारे में बोला जाता है. तो ये एक मैंस वर्ल्ड में कैसे एक जो औरतें हैं इस शो में, जैसे ऋचा का कैरेक्टर हो गया, मेरा कैरेक्टर हो गया, सारा का कैरेक्टर हो गया, ये बहुत स्ट्रांग वुमेन है, और ये बहुत अपने पोजीशन में बहुत पावरफुल है. तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था.